जय हिंद दोस्तों, मैं विपिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल वेब स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारा मैथ में रेशियो प्रोपोर्शनल का चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने आपको सभी टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। आज जो हम चलाएंगे मिक्स प्रैक्टिस वाले, जितने भी हैं सभी टाइप के मिक्स क्वेश्चन आज आपको हम कराएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, हमने आपको सभी क्वेश्चन, मतलब जितने भी टाइप थे हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के, वो सब कुछ करा दिए थे। आज हमारे मिक्स क्वेश्चन चलेंगे। मिक्स क्वेश्चन हम मतलब इजी से जो अच्छे वाले क्वेश्चन है सब हर तरीके कराएंगे आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पहला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका मध्य अनुपाति 6 तथा तृतीय अनुपाति 20.25 है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पीछे भी आपको हमने पीछे वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन आपको कराए थे। मध्य अनुपाति क्या होता है? मान लिया हमने सबसे पहले कि वे दो संख्या क्या है हमारी, एक्स और वाई है। तो दो संख्या हमारी एक्स और वाई है, इनका मध्य अनुपाति क्या होगा? मध्य अनुपाति होता है अंडर रूट दोनों संख्याओं का गुणनफल इजिकल टू कितना दिया, 6 है। यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे। जब वर्क करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। ठीक है जी। इसी प्रकार आगे दिया है ना तृतीय अनुपाति, इन दोनों का तृतीय अनुपाति क्या होता है? जो दूसरी वाली संख्या के वर्ग को पहले वाली संख्या से भाग कर देते हैं तो तृतीय अनुपाति आ जाता है हमारा। दूसरी संख्या क्या है? वाई। वाई के स्क्वायर को यदि हम पहली संख्या से भाग करते हैं तो हमारा तृतीय अनुपाति निकल जाता है। यही हमने आपको याद कराए थे, यानी यहाँ से इक्वेशन आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू यदि मुझे निकालनी हो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36/y, और एक्स की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 36/y। वाई चले जाएगा हमारा ऊपर, तो यहाँ से यानी ये कितना हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 36 = 20.25। यहाँ से वाई क्यूब कितनी आ जाएगी हमारी, 20.25 × 36। अब इन दोनों के यहाँ से मल्टीप्लाई करा के हम क्या कर सकते हैं, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। इनकी मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ पे करके देख लो। सही है जी। 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12 और 3 × 15 = 6 × 0 = 6 × 2 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, अरे 7, 3 × 0 = 0, 3 × 2 = 6। ठीक है दोस्तों, ये 0, 10, 8, 2 और 7, दो अंक के बाद पॉइंट है, तो दो अंक के बाद पॉइंट ही आ गया। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 728। तो दोस्तों, यहाँ से इनकी क्या मल्टीप्लाई करा लेंगे, मल्टीप्लाई करा कर कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी हमारी, 729। ठीक है जी, आप करा के देख लो चाहे तो। वाई क्यूब बराबर 729, इसको हम लिख सकते हैं 729 तीन की क्यूब होती है, तीन ये यानी इतना होगा, इसकी क्यूब रूट ले लेंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 9। वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ से, 9। इसी प्रकार हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे वाई के स्थान पे 9 रखेंगे तो 36/9 यानी कितना, 4। यानी कि दो संख्या एक्स और वाई कितनी आ गई हमारी, 4 और 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से हमें ये करना था, छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई अनुपात एक्स माइनस वाई इजिकल टू 7/3, यानी कि 7:3 है। इसकी वैल्यू इतनी दी है तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना। कैसे करेंगे, क्या दिया है, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर कितना दे दिया, 7/3। ये तो ऐसे करो, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू पुट करो जो उनका, यानी कि इसको सॉल्यूशन करके 7/3 आ जाए। या अगर ऐसे नहीं कर सकते तो क्या करो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 3x + 3y बराबर 7x - 7y। अब एक्स वाले एक तरफ, वाई वाले एक तरफ, यहाँ पे 4x हो जाएगा और ये इधर आ जाएगी तो 10y, यानी कि एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। ठीक है जी, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो, यानी क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर यानी 25 + y² यानी 4/25 - 4 यानी कि 29:21। ये क्या हो गया हमारा, आंसर। ठीक है जी, बस इतना सा क्वेश्चन था, इसको इस तरीके से हम कर सकते थे। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए के भाग का बी के भाग से अनुपात 3:4 है, और बी के भाग का सी के भाग से अनुपात 6:7 है। ए के भाग का सी के भाग से अनुपात ज्ञात करना है। करो कैसे करते हैं? इस प्रकार क्वेश्चन कैसे बताए थे हमने, यानी कि ए और बी का रेशो कितना दिया है 3:4, बी और सी का रेशो कितना दिया है हमारा 6:7। पूछा किसका है? ए अनुपात सी। क्या बताया था इनके पहले से आखिरी का पूछा, तो सीधा इन दोनों की गुना और इन दोनों की गुना, ये तो बताया था इस तरीके से, जो कटता हम उसको काट लेते हैं। 2 से 3 से कट गया, सॉरी 2 से कट जाएगा, 2 3 बार, 2 से कटेगा 2 बार, यानी 3 3 9, और यहाँ इन दोनों की गुना 14। यही हमारा ए और सी का रेशो, यही तो हमसे पूछा था, यानी कि ए और सी का रेशो पूछा था। इस तरीके से हम इसको कर सकते थे, सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स और वाई का अनुपात दिया है 8:9, तो 5x-4x-3x+2 वाई का मान निकालना। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि एक्स अपॉन वाई इजिकल टू 8/9 दिया है, यानी कि एक्स की वैल्यू हमने 8 मान ली, 9, वाई की वैल्यू क्या मान ली 9, तो हमें इसकी ये वाली इसकी मान निकालना है, यानी कितना 5x, 5 गुना x, x की वैल्यू 8-4 गुना y, y कितनी होगी 9, बटे 3 गुना 8+2 गुना 9। सॉल्यूशन कर लो, 8 5 40, 9 4 36, बटे 8 3 24, 9 2 18, 36 40 में से 36 गए कितने 4, बटे इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा हो गया कितना 42, 24 और 18 42। ठीक है जी, इसको काट लो, 2 से 2 बार, 2 से 21 बार, यानी 2/21 हमारा इसका रेशो कितना आ गया 2:21। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक्स और वाई का अनुपात दिया था, इनके यहाँ से हमने क्या करा, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दी, जो आंसर कितना आ गया 2:21। आगे देखो अब तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाइयों में विभाजित कीजिए जिनका 2 3 9 से विलोम अनुपात है, तो सबसे लंबे टुकड़े का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है करते हैं। दिया है यानी कि 289 मीटर कोई मतलब ऐसी एक लंबाई का है, उसको विभाजित करना है 2 3 2 3 और 9 के विलोम अनुपात में। विलोम का मतलब उल्टे, यानी कि क्या 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/9, तो सबसे लंबे टुकड़े का मान ज्ञात करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब ये फ्रैक्शन में हो गया, इसको सिंपल रेशो में बनाएंगे। सिंपल रेशो में बनाने के लिए क्या बताया था मैंने, इन जो नीचे वाली संख्या होती है उनका सबका एलसीएम से इसमें पूरे की मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि 2 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा हमारा 18, 18 के इसमें सबके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 18/2 हो जाएगा, यानी जब 18 को 2 से भाग करा 9, इसी प्रकार यहाँ 18 को 3 से भाग करा तो 6, और 18 को 9 से भाग करा कितना आ गया 2, यानी कि जो फाइनल रेशो आया वो कितना आ गया हमारा 9:6:2, यानी कितना हो गए 9 6 15 15 2 17 17 यूनिट बराबर किसके दिए हैं हमें 289 के, इसका कितने गुना है 17 गुना। तो हमें सबसे बड़े टुकड़े का मान पूछा, तो सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा है 9, यानी 9 गुना 17, यानी 17 निम्मा 153, ये क्या हो जाएगा सबसे लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी 153। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या है आंसर, समझ आ गया होगा विलोम का मतलब क्या, उनका उल्टा कर देंगे, फिर इनका सिंपल फ्रैक्शन, इन सब का योग कितने के बराबर 289 के, ये इसका कितना मल्टीपल है 17 टाइम, इसी प्रकार जो सबसे बड़ा टुकड़ा भी होगा 70 टाइम हो जाएगा, यानी कितना 153, यही आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 वर्ष पहले सीता और मीना की आयु का अनुपात 1:4 था, और वर्तमान में यह 1:2 है, तो वर्तमान में सीता की उम्र क्या होगी। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आपको इस तरह के सभी क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं इसको, कैसे करेंगे। 20 वर्ष पहले सीता और मीना की आयु का अनुपात दिया है, सीता और मीना, ठीक है जी, उनकी रेशो कितना दिया है 1:4, ये 20 वर्ष पहले का है, और जो प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में हमारा प्रेजेंट में दिया है 1:2, तो वर्तमान में उसकी उम्र क्या होगी, यानी सीता की उम्र क्या होगी। अब देखो जी,
यदि यहाँ से पहले अब कितना है, एक है, और अब से 20 साल पहले भी कितने दे रखा है, एक, अब कितना है, दो, अब से 20 साल पहले कितना था, चार। तो यहाँ पे तो दोनों तरफ रेशो में तो इक्वलिटी आ नहीं रही, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल बना लेंगे। इन दोनों में अंतर कितने का है हमारा, एक का, इन दोनों में तीन का। तो क्या करेंगे, इसमें तीन की मल्टीप्लाई, यानी इधर भी तीन की मल्टीप्लाई, इधर भी तीन, किस में कराएंगे तो तीन, तीन किस में कराएंगे तो कितना, छः। अब देखो, अब तीन है तो अब से 20 साल पहले कितना था, एक, तो कितने का अंतर है, दो का। अब छः है तो अब से 20 साल पहले कितनी उम्र थी मीना की, चार, कितने का अंतर, दो। ये दो अंतर किसके बराबर है हमारा, 20 साल, यानी कि दो किसके इक्वल है, 20 के, मल्टीप्लाई बाई 10, इसका कितने गुना, दो गुना। तो हमसे सीता की वर्तमान आयु, सीता की वर्तमान आयु है कितनी, सीता की वर्तमान आयु कौन सी है हमारी, अब तीन ही तो है, अब इसके ये यानी कि वर्तमान जो सीता की प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी, तीन गुना 10 यानी कितने, 30 वर्ष। ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते थे, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी सीता की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 20 वर्ष पहले के अनुपात दिया था, प्रेजेंट का अनुपात दिया है, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, दोनों के रेशो में अंतर इक्वल है या नहीं, इक्वल नहीं तो इक्वल बना लेंगे, फिर इसका जितने टाइम में वो दे रखा है, इस तरीके से हम कैलकुलेशन करके इसके वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला सवाल जो है, एक आय और एक की आय, एक की आय और बी की आय का अनुपात 5:4 है, और ए के व्यय तथा बी के व्यय में 3:2 का अनुपात है। वर्ष के अंत में यदि प्रत्येक 8,000 रुपये बचाते हो तो बी की वार्षिक आय कितनी होगी, ये क्वेश्चन है हमारा। इस तरह क्वेश्चन हमने आपको पीछे वीडियो में भी करा दिए थे, इनका बेसिक कैसे करते वो भी हमने आपको अच्छे से समझाया था। दोस्तों देखो, आपको हम बताते हैं, यदि आपको वास्तव में मैथ सीखना है तो आपको क्या करना होगा, मुझसे करने से पहले सबसे पहले सवाल को देख के वीडियो पॉज करो, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद लगाओ, उसके बाद यदि आपसे नहीं हो रहा तब वीडियो को आगे देखो। और जितने ज़्यादा आप अपने आप से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेटर होगा, इतना ही अच्छा आपको मैथ आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो करते हैं क्वेश्चन को। ए की आय बी की आय का अनुपात दिया है, ए और बी की जो इनकम का रेशो दिया है कितना, 3:2, कितना, सॉरी, ये दिया है इनकम का अनुपात 5:4। ए के व्यय तथा बी के व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर जो था, उन्होंने जो खर्च किया है, उनका अनुपात दिया है 3:2। वर्ष के अंत में यदि प्रत्येक 8,000 रुपये बचाता है तो बी की वार्षिक आय ज्ञात करनी है। क्या करेंगे भाई, इनकम में से यदि एक्सपेंड को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या आएगा हमारा, बचत आ जाएगी, यानी सेविंग, सेविंग इसमें से इसको यदि मैं घटा देता हूँ तो हमारी क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। सेविंग यानी कि इधर भी कितना, दो बचा रहा है, यहाँ पे 5 खर्च करके कितना, सॉरी, 5 उसकी आई थी, 5 में से 3 खर्च कर दिए तो कितने बच गए, दो। इधर भी 4 आई थी, 4 में से 2 खर्च कर दिए तो कितने बच गए, दो। तो ये दो किसके बराबर है हमारा, 8,000 रुपये के, इसका कितना गुना, 4,000 गुना। तो हमें किसकी आय पूछी है, बी की इनकम, वार्षिक बी की इनकम कितनी है, 4। तो ये किसकी कितनी, 400, 4,000 गुनी। तो बी की जो टोटल आय कितनी आ जाएगी हमारी, सेविंग, सॉरी सेविंग नहीं, इनकम पूछी है ना, तो बी की इनकम कितनी आ जाएगी हमारी, 16,000। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, यानी कि इनकम का रेशो दिया है, एक्सपेंडिचर का दिया है, और फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेविंग निकाल लेंगे, यानी कि यदि आय में से हम खर्च को निकाल दें, बचत बचती है, यहाँ भी 2 बच रही है, इधर भी 2 बच रही है, 2 किसके बराबर, 8,000 के, यानी 2 किसके, 4,000 गुना हो जाएगी। इसी प्रकार जो बी की आय भी वो उसके 4,000 गुना, यानी 16,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, लेकिन ये इतना मतलब तो बड़ा ही है, सॉल्यूशन इसका हम बहुत छोटा कराएंगे आपको। क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में एक कंपनी में 3 अलग अलग विभागों यानी HR, MT और TA में कर्मचारियों का अनुपात क्रम से 2:3:4 है। प्रत्येक विभाग में वर्ष 2014 में यदि N कर्मचारियों का संख्या अच्छा एन कर्मचारियों की संख्या काम छोड़ देती है, ठीक है जी, तो अनुपात 3:5:7 हो जाता है।
वर्ष 2015 में प्रत्येक विभाग में 5 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ी, तो अनुपात 1:2:3 हो गया। तो फिर अच्छा ये फिर वर्ष 2014 में कर्मचारियों की कुल संख्या, यानी कि 2014 में कुल कर्मचारियों की संख्या हमको निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन है, देखो जी करो कैसे करेंगे। वर्ष 2013 में कंपनी में जो कर्मचारियों की संख्या किस प्रकार, उनका जो रेशो दिया है यानी HR, MT और TA, 2013 2:3:4। उसके बाद में प्रत्येक विभाग 2014 में इन कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया 2014, तो अनुपात कितना हो गया हमारा 3:5:7। वर्ष 2015 में प्रत्येक विभाग में 5 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी 2015, 2015 में कितने 5 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी, तो रेशो क्या हो जाता है हमारा 1:2:3। तो फिर 2014 में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, करो जी कैसे करेंगे। 2014 में कुल कर्मचारी अब यहाँ पे है कितने, 3, 5, 8, 8 और 7 कितने हो गए हमारे 15, ठीक है जी, टोटल कितने 15। अब यहाँ पे देखो यानी कि 2014 से 2015 तक आने में प्रत्येक विभाग में 5 5 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी, यहाँ पे कितने छोड़ रहे हैं, यहाँ पे छोड़ रहे हैं हमारे 2, यहाँ पे कितने 3, यहाँ पे कितने 4, यहाँ पे 2 छोड़ रहे हैं, यहाँ पे 3 छोड़ रहे हैं, यहाँ पे 4, भाई 3 से 1 हो गया, 5 से 2 हो गया, 7 से 3 हो गया, यहाँ पे 2 ने छोड़ दी, यहाँ पे 3 में, यहाँ पे 4 में। हमें पता है रेशो में जब भी हम कुछ घटाते हैं ऐड करते हैं तो सब कुछ वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसको समान बनाना पड़ेगा सबसे पहले, ये तो करते आए हम अभी तक। समान कैसे, अब देख लो इन दोनों में कितने का अंतर है 2 का, इन दोनों में भी 2 का, तो यहाँ पे भी जो इनका अंतर होगा वो भी कितने कितने का बनाएंगे 2 2 का। अब कितने का है यहाँ पे, यहाँ पे कितने का अंतर है 1 का, यहाँ पर कितने का है 1 का, तो यहाँ पे 2 2 का अंतर बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 2 2 का अंतर बनाने के लिए यानी कि 2 2 की गुना कर दो भाई, 2 की गुना इसमें, 2 की गुना इसमें, 2 की गुना इसमें, तो जब 2 2 की गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2:2:4:2:6, ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, पहले 2014 में कितने थे 3 थे, अब कितने हो गए 2, कितने का अंतर आया 1 का, इसी प्रकार 2014 में यहाँ पे 5 थे, अब कितने हो गए 4, तो कितने का अंतर 1 का, इसी प्रकार यहाँ पे भी कितने का अंतर हो गया 1 का, लेकिन जो 1 है ये किसके बराबर दिया गया है 5 के, यानी इसका कितने गुना 5 गुना, ये तो दिया है 1 का 5 कितने गुना है 5 गुना। हमें निकालना कहता है 2014 के सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी मानी है 15 15, यानी इसका 5 गुना, तो ये 15 के 5 गुना हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 5, 15 पंजे कितने हो गए हमारे 15 पंजे 75, यानी कि 2014 में तीनों जो विभाग है उनमें कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी 75, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन जो इसका सोल्यूशन है बहुत सिंपल सा छोटा सा है, आप इसको इजीली कर सकते हो। क्या क्या हमें इससे तो कुछ लेना देना है नहीं था, जो हमारा संबंध दिया 2014 और 2015 में दे रखा है, यानी 2014 में विभागों में कर्मचारियों का रेशो दिया है, 2015 में 2014 से 2015 तक पहुंचने में पांच प्रत्येक विभाग में से 5 5 कर्मचारियों का यानी कि नौकरी छोड़ दी, लेकिन यहाँ पे हम जब इसको सोल्यूशन करते हैं तो कितने छोड़ रहे हैं 1 1 छोड़ रहे हैं, 1 किसके बराबर हो गया 5 के, यानी इसका कितना गुना 5 गुना, तो इसी प्रकार 2014 में जो कर्मचारी भी हो जाएगी यानी 15 के 5 गुना, टोटल यानी 75 कर्मचारी हो जाएंगे 2014 में, यही हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है, ए कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है, यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं तो बी का कितना धन प्राप्त होगा, बी को कितने रुपए मिलेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। ए और बी और सी का जो रिलेशन दिया है यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, यदि मुझे निकालना हो तो इस अनुपात में आएंगे, एक ए कुल राशि का 3/16 और जी बी कुल राशि का 1/4। हमेशा हम देखो कुल राशि यहाँ पे कुल मान कितने मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा हमारा 16, यानी जो ए है
वो 1/3/16 कुल राशि कितना है 16 का अनुपात। इसी प्रकार बी 1/4 कुल राशि कितनी है हमारी 16, आगे सी आ जाएगा। यानी कि जब 16 से 16 कर देंगे कितना 3 4 6 16 4। अब कुल में कितने माने हमने 16 3 और 4 कितनी होगी 7, आगे कितनी बच गई सी के लिए 9, सी के लिए कितनी बच गई 9, टोटल हो गई नहीं 16 है। और लेकिन यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं, सी को 9 ना मिल गया कितने मिल रहे हैं 81, यानी कि 9 इवन कितने के बराबर 81 के बराबर, इसका कितना गुना 9 गुना, ठीक है जी। तो बी का मान, बी का कितना धन होगा, बी के पास कितना धन है 4, चार नहीं लेकिन इसका कितना गुना 9 गुना, यानी कितना हो 9 चौक 36, तो बी के पास कितना धन हो जाएगा 36 रुपये। ये क्या होगा हमारा आंसर। सबसे पहले हमने ए बी सी का रेशो निकाल लिया। रेशो कैसे निकाला, कुल धन मानना था। कुल धन हमेशा हम जब फ्रैक्शन वैल्यू दी होती है उन दोनों का एलसीएम मानते हैं, ठीक है। जैसे 3/16 1/4 का एलसीएम कितना 16, तो कुल राशि हम कितने मान लेंगे 16, ये माना कुल राशि 16 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका फाइनल आंसर कितना 36। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ए बी और सी में 555 रुपये की राशि 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में बांटी थी, परंतु गलती से 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई, सी को कितनी राशि अधिक मिली। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, देखो जी कैसे करेंगे। ए बी सी का जो रेशो दिया है हमें, सबसे पहले 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में बांट दी गई 555 रुपये की राशि। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम सिंपल सिंपल रेशो में बनाते हैं। सिंपल रेशो में बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा हमारा 4, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 4 का 5 के 6 का एलसीएम होता है हमारा कितना 60। इसकी 60 के अंदर गुना करा देंगे तो यहाँ पे कितना 15, यहाँ पे कितना 12 और यहाँ पे 10। क्योंकि जब इसके अंदर गुना कराएंगे 4 से इसको भाग करेंगे 15, 5 से भाग करेंगे 12, 6 से भाग करेंगे 10, ठीक है जी इतनी। और उसके बाद परंतु ये गलती से किस रेशो में बांट दी गई, 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई थी, सी को कितने रुपए अधिक मिले, यहाँ पे सी को कितने रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पे सी को कितने रुपए मिल रहे हैं, उन दोनों का अंतर हम निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो ये टोटल कितनी हो गई हमारी 10 15 25 25 12 37, टोटल 37 37 किसके इक्वल है यहाँ पे 555 के, 37 37 का कितने गुना 555 होता है 15 गुना, यानी 37 के 15 के गुना कराएंगे तो 555 आ जाएगा। तो यहाँ पर सी की जो वैल्यू होगी तो वो भी कितनी 15 गुने, यानी कितने आगे 150। जब हम 1/4 1/5 1/6 के रेशो में 555 रुपये को बांटते हैं तो सी को कितने रुपये मिलेंगे 150 रुपये। अब जब गलती से लेकिन रेशो उनका क्या होगा 4:5:6, तो टोटल ये कितने हो गए हमारे 15, 15 किसके बराबर 555 के, भाई यहाँ पे भी तो 555 के बराबर है क्योंकि टोटल राशि ही 555 है, तो इसका कितने गुना, इसका 37 गुना। तो यहाँ पे सी सी को कितने रुपये मिले, ये भी 6 गुना 37, यानी कितने हो गए 6 7 42 7 18 4 22, यहाँ पे सी को कितने रुपए मिले 222, यहाँ पे कितने रुपए मिले 150। तो पहले की अपेक्षा अब सी को कितने रुपए अधिक मिले, सी को कितने रुपए अधिक मिले 222 माइनस 150, इसमें से इसको घटा देंगे तो 2, यहाँ पे 2 इधर 12, यानी 72 रुपये। ये क्या हो गया हमारा आंसर, समझ में आया दोस्तों। क्या क्वेश्चन था, ए बी सी तीन बंदे हैं, उनको 555 रुपये बांटने हैं, उनका जो अनुपात है 1/4 1/5 1/6 के अनुपात में बांटने थे, लेकिन गलती से क्या करा, किसी ने गलती कर दी, वो अनुपात 4:5:6 में बांट दिए। तो इसी प्रकार जो पहले वाले रेशो के अकॉर्डिंग जो सी को मिलने वाली राशि थी, और जो दोबारा गलती से बांटे गए रुपये जब हमारा 4:5:6 के अनुपात में बांटी, तो उस बार पहले वाले से दूसरे वाले रेशो से कितने रुपए अधिक मिलेगी, ये क्वेश्चन है। यानी पहले में 150 रुपये मिल रहे हैं, अब कितने मिले 222, तो अब इससे कितने रुपए 72 रुपये अधिक मिलेंगे। ये हमने सोल्यूशन इसका कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फिर दूसरे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 300 रुपये की राशि पी क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं,
आर को तीन से 60 रुपये अधिक मिलते हैं तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो फिर से दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है जी। तीन बंदे हैं पी क्यू आर, क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं, क्यू को पी से 30 रुपये अधिक, तो क्यू को पी से कितने रुपये अधिक मिलते हैं? पी से 30 रुपये अधिक मिलते हैं। उसके बाद आर को क्यू से, आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, क्यू से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उनके हिस्सों का अनुपात निकालना है। अब इनके हिस्से का अनुपात, इनके पी से आर को कितने रुपये अधिक मिले भाई टोटल, यानी कि 30 और 60 90 रुपये अधिक, ठीक है जी। कितने रुपये? 90 रुपये। यदि पी पी को 60 रुपये मिल गए तो क्यू को कितने मिलेंगे? 30 रुपये अधिक, यानी कि 90, और आर को कितने रुपए मिल जाएंगे? टोटल है कितने? 300। ये कितने हो गए हमारे? 150। तो आर को कितने बच गए? 150। अब देख लो यहाँ से भी इसको 90 रुपये, पी से आर को 90 रुपये अधिक मिल रहे हैं, पी से क्यू को 30 रुपये अधिक मिल रहे हैं, और जी हमारा आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिल रहे हैं। हम इस तरीके से इनका रेशो निकाल सकते थे। अब जो कटता उसको काट दो, 0 से 0 और 3 5 15, 3 3 9, 3 2 ठीक है जी। यही हमें तो उनके हिस्सों का अनुपात निकालना था, ये हमारा उनके हिस्सों का अनुपात आ गया। ये हमने आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है जी। इसको अगर हम बेसिक से करते तो बहुत बड़ा बैठ था। यानी क्या है, देखो मैं इसकी बेसिक इक्वेशन बता देता हूँ। दिया है 300 रुपये की राशि पी क्यू आर में इस प्रकार बांटी गई है कि क्यू को पीछे 30 रुपये अधिक, क्यू को पीछे 30 रुपये अधिक, यानी क्यू माइनस पी बराबर 30 रुपये। इक्वेशन एक। आगे कहा आर को क्यू से 60 रुपये अधिक, आर को क्यू से 60 रुपये अधिक, यानी कि आर माइनस क्यू बराबर कितना जाता है? 60। इक्वेशन दो। उसके बाद और तीनों के पास कितने रुपए हैं? पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 300 रुपये। अब यानी क्या करना था हमें, तीनों इक्वेशन को सोल्व करते तब पी क्यू आर के वैल्यू निकालते फिर उनका रेशो। लेकिन हम इतना बड़ा ना करके इस तरीके से हम सोलो इसको शॉर्ट तरीके से, यानी कि ट्रिक है ये, ऐसे इसको हम कर सकते हैं। यानी कि कहा है पी को क्यू से 30 रुपये अधिक, आर को 60 रुपये अधिक, और पी से आर को 90 रुपये अधिक। इस तरीके से हमने बांट दिया, आंसर आ गया 5:3:2। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमने यहाँ तक करा दिए हैं, आज हम यहीं पर लेक्चर समाप्त करते हैं। यानी हमारा अनुपात और समानुपात का जो चैप्टर था वो हमने आपको पूरा करा दिया है। इसके जितने भी टाइप थे सभी टाइप हमने आपको कराए। आज हमने आपको मिक्स क्वेश्चन भी करा दिए, कुछ इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन थे वो भी करा दिए। इनकी पेपर में आने की संभावना काफ़ी हद तक अधिक थी, तो आप इन क्वेश्चन को बार बार इनकी अपने मतलब प्रैक्टिस करते रहे अपने आप खुद से। सबसे पहले मतलब अगर आप वीडियो में कर रहे हो तो वीडियो में क्या करना है, क्वेश्चन देखना है स्क्रीन पर, वीडियो पॉज करो, पहले अपने आप से ही इनका सॉल्यूशन करो। यदि आपसे नहीं हो रहा तो फिर वीडियो को देखो, क्योंकि हमने सबसे पहले हम कंसेप्ट समझाते हैं उसके बाद फिर क्वेश्चन। तो आपको पहले कंसेप्ट समझना है फिर क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन खुद से ट्राई करनी है, उसके बाद वीडियो को आगे देखना है, जिनका बार बार प्रैक्टिस करते रहना। और लास्ट में हमारे जो चैनल है वेब स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।